कोरोना वायरस की वजह से अब बहुत से फिल्ममेकर्स अपनी मूवीज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में रिलीज कर रहे हैं और अब 7 नई फिल्म्स इंक्लूडिंग विद्युत जामवाल्स खुदा हाफिज एंड कुणाल केमूस लूट केस हॉटस्टार प्लस डिज्नी पे रिलीज होगी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार 7 नई फिल्म्स लक्ष्मी बॉम्ब भुज द प्राइड ऑफ इंडिया सड़क 2 बिग बुल दिल बेचारा लूट केस एंड खुदा हाफिज जुलाई से अक्टूबर के बीच रिलीज करेगा। ये बड़ी अनाउंसमेंट वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस बॉलीवुड की होम डिलीवरी में की गई जिसमें डिज्नी हॉटस्टार के हेड हॉन्चोस के साथ मौजूद थे अक्षय कुमार अजय देवगन अभिषेक बच्चन वरुण धवन एंड आलिया भट्ट। लेकिन विद्युत और कुणाल दोनों को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नहीं बुलाया गया जबकि वरुण धवन जिनकी कोई फिल्म नहीं है इन 7 फिल्मों में से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे। इस अनाउंसमेंट और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताए तक न जाने से विद्युत और कुणाल नाराज हैं। इस बात से अपसेट विद्युत ने लिखा, अ बिग अनाउंसमेंट फॉर श्योर 7 फिल्म्स स्केड्यूल्ड फॉर रिलीज बट ओनली 5 आर डीम्ड वर्दी ऑफ रिप्रेजेंटेशन 2 फिल्म्स रिसीव नो इनविटेशन और इंटीमेशन इट्स अ लॉन्ग रोड अहेड द साइकिल कंटिन्यूज This restarted the outsider versus star kids and nepotism debate all over again and post that Kunal wrote इज्जत और प्यार मांगा नहीं कमाया जाता है कोई ना दे तो उससे हम छोटे नहीं होते बस मैदान खेलने के लिए बराबर दे दो छलांग हम भी ऊंची लगा सकते हैं Guess Bollywood would never learn आपका क्या कहना है इस पूरे मामले के बारे में हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में फॉर मोर ऑन मूवीज फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टे ट्यून्ड टू movietalkies.com Drunken style.